मथुरा में छाता कोतवाली पुलिस ने डकैती और लूट के मुकदमे में 18 साल से गच्चा दे रहे 25,000 के इनामी शातिर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के मुताबिक 5 नवंबर 2005 को दिल्ली के पश्चिम विहार निवासी प्रेम शुक्ला रात को अपने परिजनों के साथ वापस अपने घर दिल्ली लौट रहे थे। इस दौरान आरोपी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर NH-19 पर बिलौठी के पास उनकी गाड़ी को रोककर नकदी जेवरात, मोबाइल फोन और कैश लूट लिया था। पीड़ित परिवार द्वारा इस प्रकरण का केस दर्ज कराया गया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अन्य आरोपियों को जेल भेज दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश में ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के चक्रायपुर गांव निवासी सप्पा उर्फ सरिया उर्फ सपात निवासी लूट के बाद से 18 सालों तक लगातार पुलिस को गच्चा देता रहा। लेकिन इस बीच आज छाता थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार दुबे को सूचना मिली कि क्षेत्र में लूट का वांछित 25,000 का इनामी अकबरपुर गाँव में देखा गया है, जिसके बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया। थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार दुबे ने बताया कि लूट के मामले में कुल 9 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें 4 को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है, जबकि सप्पा वांछित था और 4 लोगों की मौजूदगी गलत पाई गई थी। SSP शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी 18 साल से वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया। छाता पुलिस ने 18 साल से वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। यो छाता के नेतृत्व में थाना छाता की टीम ने, इंस्पेक्टर छाता ने इसमें सराहनीय कार्य किया है सीओ छाता के नेतृत्व में, और 2005 से फरार अपराधी जिसका नाम सप्पा उर्फ सरिया है, जो कि जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और लूट के मामले में 2005 से वांछित चल रहा था, उसको गिरफ्तार करने में इन्हें सफलता मिली है। और ये अकेला उस केस में था जो वांछित था और इतने लंबे समय से फरार था, और इस पे 25,000 का इनाम किया गया था। आज इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।